नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में कोई रुचि है। आज 4 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, रविवार है, विक्रम संवत 2077 चल रहा है और सूर्य समय दक्षिणायन के अंदर है, शरद ऋतु चल रही है। तिथि द्वितीया दिन में 7:28 तक, उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आश्विनी दिन में 11:52 तक, उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग हर्षण रात्रि में 11:06 तक, उसके उपरांत वज्र योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 7:28 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:25 पर और सूर्यास्त 6:07 पर हो रहा है। भद्रा दिन में 8:45 से और गणमूल दिन में 11:52 तक है। सर्वाध सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के 11:52 तक और राजयोग दिन में 11:52 से सूर्योदय तक रहने वाले हैं। द्वितीय तिथि में वृद्धि हो रही है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 7:52 से 9:20 तक है। इसमें आप वे सभी कार्य जिन्हें आप व्यवसाय के अंदर पुनः पुनः करना चाहते हैं, ऑर्डर देने से लेकर माल पहुंचाने का, माल अपने गोडाउन तक लाने का या कोई छोटी यात्रा है किसी से मिलने जाने का, ये सभी कार्य आप चर के चौघड़िया में कर सकते हैं। लाभ और उन्नति चौघड़िया 9:20 से 12:16 तक है। इसमें आप अगर कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कहीं अपने लाभ से संबंधित सौदे हैं, कि सौदा लिखवाना है, कहीं आपको ऑर्डर लिखने हैं या उनको पहुंचाने, पेमेंट लाने देने, बैंक से संबंधित कार्य, ये सारे कार्य समय करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। शुभ का चौघड़िया 1:43 से 3:13 तक है। इस समय अगर कोई पिछले पेंडिंग दिनों के अंदर कोई कानूनी समस्याएं रह गई हैं, कोई ऐसा कार्य रह गया जिसको आपको लगता है कि इसमें आशंकित हो, आपको लगता है कि डाउटफुल हो कि हो सकता है कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसमें करके देखिए, हो सकता है कि कुछ आपको इसमें फायदा मिले। बात करते हैं राहु काल की। दिन में 4:30 से 6 तक आज राहु काल रहने वाला है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और मंगल संयोग बना रहे हैं। चंद्रमा और मंगल का संयोग कहीं ना कहीं थोड़ा क्रोध भी आपके मन में आ सकता है, आपके मन में नकारात्मकता इस मायने में आ सकती है कि किसी ने अगर आपके साथ पिछले दिनों कोई खराब व्यवहार किया तो आपको जवाब देने की इच्छा हो, या अगर आज किसी ने थोड़ी सी भी दाएं बाएं बात की तो आपकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के माध्यम से आप ऐसी बात कह बैठे जो थोड़ी खरी खरी सी और सच्ची हो। तो आज इस बात को अपने मन में धारण रखना है कि केवल तभी इसका उपयोग करें जब आपको सामने से संबंध हमेशा के लिए खराब करने हो, क्योंकि सच्ची बात आज के परिप्रेक्ष्य में कहना, इस तनाव भरे माहौल में कहना, जब स्वास्थ्य और धन की स्थितियों की इतनी खराब हालत है, लोगों के मन को तनावग्रस्त ही करेगी। तो ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो कम से कम कठोर, जो कम से कम तनाव देने वाले, जो कम से कम क्लेश उत्पन्न करते हों। तो आप देखेंगे अगर आपकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ तो सामने से अगर कहे हुए कठोर या तनावग्रस्त या गलत शब्दों को अगले क्रम में आप ठीक करने की स्थिति के अंदर आएंगे और ये धन से संबंधित लेन देन या किसी अन्य प्रकार से भावनात्मक रिश्तों में या पारिवारिक रिश्तों में या बच्चों के साथ डील करते समय, ये सभी स्थितियों के अंदर आपको एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जो बाद की कड़ियों के अंदर बात को ठीक करने की अंतिम कड़ी आपके हाथ में रह जाएगी। तो इस तरह से आप अपने चीज को यहां पर मैनेज कर सकते हैं। धन की स्थितियां आज के दिन के अंदर बेहतर है। बृहस्पति से दृष्टि संबंध बनाता हुआ मंगल और चंद्रमा से दृष्टि संबंध बनाता हुआ मंगल चीजों को बेहतर कर रहा है। आज का जितना अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं आज करिए। आज भी चंद्रमा और बृहस्पति दृष्टि संबंध बना रहे हैं, आज भी मंगल और चंद्रमा का दृष्टि, इस दिन जो पैदा होने वाले लोग हैं वो निश्चित धनवान कहलाएंगे। निश्चित धनवान होने की स्थिति ज्योतिषीय स्थितियों के अंदर उनको प्राप्त होती है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की।
आलस्यवश अपने पूर्व में किए गए परिश्रम का परिणाम सही समय पर पाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। वाद विवाद में उलझना कष्टकारक हो सकता है। शब्दों का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। धन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। रेड कलर आज आपको सूट करेगा। सात का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, छोटी छोटी बातों पर जिद या कठोर शब्द पे नहीं अड़ना है आज। भावनात्मक संबंधों में नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सकती है। उदारता और धैर्यपूर्वक व्यवहार करेंगे और साथ ही तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इनका लाभ उठाएं। मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। छह का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले सवाल लेते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1984। इनका सवाल है भाग्योदय कब होगा। देखिए, एक समय निकला 33 वर्ष की आयु में जब आपका भाग्योदय हुआ। आपने उस समय क्या किया, किस तरह के कार्य किए, उसका उपयोग कैसे किया, वो जानने की आवश्यकता है। और अगला समय है 42 वर्ष की उम्र में। ये दूसरा समय होगा अगर आप पिछली बार सही तरीके से सही चीज़ों का संयोजन नहीं कर सके, उसका पूरा लाभ नहीं ले सके, तो अपने 42 वर्ष की उम्र के अंदर आप अभी से तैयारी कर लें कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप मेहनत करते चल रहे हैं, भाग्य की कर्म की ताकत यहां पूरी लगा के रखें। जब भाग्य की आपको इसमें सहयोग मिल जाए तो फिर एकदम से चीज अच्छी होती चली जाएगी। तो 42 वर्ष वो समय है जो आपको, आप चाहें तो आपकी डिटेल्स के अनुसार आप रविवार का व्रत रख सकते हैं। कम नमक का भोजन या बिना नमक का भोजन या सेंधा नमक के साथ भोजन करें। फलाहार करें एक समय अन्न का ग्रहण करें या पूरे टाइम फलाहार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके अंदर टेम्परामेंट आपका अगर आपने संभाल लिया तो चीज़ें वैसे ही आपकी बढ़िया होती चली जाएंगी। मिथुन राशि, आज का दिन शीघ्र आर्थिक सफलताओं के साथ प्रसन्न चित्त रखेगा आपको। अच्छा धन लाभ योजनाओं के आकार को बढ़ाने के साथ ही अच्छे निवेश के विकल्पों पर भी विचार होगा। तो धन आएगा, प्रसन्नता आएगी। आज का दिन बेहतर है आपके लिए। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, व्यवसाय विस्तार की योजनाओं पर अधिकांश आज का समय गुजरेगा। स्नेही संबंधों में विश्वास की वृद्धि होगी। बच्चों के साथ बिताया गया समय ऊर्जा देगा। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं हुकुम सिंह जी का। 2002 यानी 6/8/2002 इनका डेट ऑफ बर्थ है और पूछ रहे हैं जॉब कब लगेगी। निश्चय ही आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2002 18 साल की उम्र में अगर आप जॉब की सोच रहे हैं तो सोचने वाली बात है। लेकिन यह निश्चित बात है कि आपके अंदर प्रतिभा बहुत है और आप अनुशासन की थोड़ी कमी हो सकती है। तो अनुशासन और अपने ऊपर खाने पीने की अपनी नियमबद्धता, अनुशासन, इन दो चीज़ों को अगर आप संभाल लें तो 21 वर्ष की उम्र में भी आपका जॉब लग सकता है। मतलब 21 वर्ष के बाद की ऐसी स्थिति आ सकती है जब आप अपने पैरों पर खड़े हुए दिखाई दें या कम से कम भार आपका दूसरों के ऊपर। आपको बहुत समझ करके आगे बढ़ने की स्थितियां देखनी है। चाहें आप तो बुधवार का व्रत रख सकते हैं। इसमें प्रत्युत्पन्न बुद्धि यानी तुरंत आपको अगर कोई सवाल का जवाब देना है उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ना हो, पहले का पूर्व ज्ञान तुरंत आपको ध्यान आ जाए, इसके लिए आप बुधवार का व्रत रखें। आप देखेंगे चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। ओम गणपते नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सिंह राशि, व्यक्तित्व की मधुरता कई नई आर्थिक संभावनाएं खड़ी कर सकती है। विरोधियों में स्वजनों की उपस्थिति का थोड़ा तनाव हो सकता है। नई साझेदारी हो सकती है। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिवार में नई खुशियां आएंगी। लंबे समय से चल रहे आर्थिक गतिरोधों से मुक्ति मिलेगी। भावनात्मक फैसले सोच समझ कर ही करें। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल हम ले रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1992। ये पूछ रहे हैं जॉब या कुछ और करना चाहिए। कुछ और आप व्यवसाय कर सकते हैं, जॉब लेकिन तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपके हाथ में एक अच्छा बैकअप फंड ना हो। तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आप डिपेंडेबल नहीं हो सकते किसी को, क्योंकि आपकी स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि अगर आप किसी के ऊपर आश्रित हो गए तो आप बहुत जल्दी तनाव में आते हैं। अगर उसने आपको सही से रेस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर मुश्किल होगी। तो आप जॉब को देखें,
आप देखेंगे कि जब आपके पास फंड होगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी होगा, और कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आप बिना बैकअप के चलने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसे इतना साहस नहीं आपके डेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है कि आप, वो लोग अलग होते हैं जो आँख पे पट्टी बांध करके कूद जाते हैं। तो आप जब तक आपके पास पीछे बैकअप नहीं होगा आप आगे नहीं चल सकते। तो बहुत समझ के चलिए, साथ में अगर चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत करिए। ये आपको संसाधन जुटाने में, लोगों का सहयोग मिलने में, और आप एक इजी प्रोसेस से आप आगे बढ़ जाएं, इसका आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। पीला भोजन करें इस दिन, और चाहें तो गौ सेवा से भी जुड़ सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद और उनके लगातार उनके साथ संपर्क और जुड़ाव रखें, ये भी आपको लाभ देगा। तुला राशि, आत्म केंद्रित होकर के आत्म ऊर्जा के विकास करेंगे तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज नजर आएगा। प्रभावशाली लोगों की मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी समस्या थोड़ी चिंतित रख सकती है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, सात का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, दूसरों के समय पर की गई मदद आपकी छवि बेहतर बनाएगी। कार्यों के अनुरूप परिणाम पाने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ सकती है। स्त्रियों को पितृपक्ष से आनंददायी समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डार्क ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, छह का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 26/8/2001 उदयपुर से, ये पूछ रहे हैं किस तरफ आगे बढ़ना है इनको। निश्चय ही आपको देखना है कि आपके अंदर प्रतिभा है और मल्टी टैलेंटेड आप हैं, अब तो टेक्नोलॉजी की तरफ आगे अगर बढ़ती हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स लेती हैं जिसके अंदर वैज्ञानिक होने की तरफ आप आगे बढ़ सकें, तो आप देखेंगे कि आपको भविष्य के अंदर बहुत ऊंचे स्तर के जीव विज्ञानी या भोजन विज्ञानी आप हो सकते हैं। तो आप देखें कि अगर क्या कोई रास्ता इस तरफ जाता है, अगर हाँ तो फिर आप उस तरफ हो सकते हैं। लेकिन आप साथ साथ में बहुत अच्छे ट्यूटर भी हैं, आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, अपने से जूनियर्स को जब आप पढ़ाते हैं, अपने ही बराबर वालों को इवन पढ़ाते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि आप बहुत अच्छे से आप शिक्षा देते हैं, तो इस तरह भी हो सकते हैं। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें, यह आपके ज्ञान आपके ऑरा को रिपेयर करने में मददगार साबित होगा और आपके और अधिक ज्ञानशीलता और अधिक एकाग्रता में आपको मदद मिलेगी। धनुराशि, उच्चाधिकारी वर्ग से अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आपको समर्थन मिलता चला जाएगा। अच्छी सूझबूझ से अपनी योजनाओं से लाभ अर्जित करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के सहयोग से पुराने चले आ रहे आर्थिक तनावों से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। कोशिश करनी होगी आपको इस ओर। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, नौकांक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, पारिवारिक जीवन में अच्छा तालमेल बना रहने से सुखद अनुभूति होगी। वाणी पर संयम रखना होगा, विवाद से बचे रहना अच्छा रहेगा। ये सार्वजनिक स्थान पर आपकी छवि को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर तनावग्रस्त शब्द आपस में आपने कहे तो। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, और तीन का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। अगला सवाल है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1981, बहुत तनाव है क्या करना है। अरे आपसे लोग पूछते हैं तनाव में क्या करना है, इतने बेहतरीन आपकी डिटेल्स हैं, इतने जो क्या कहते हैं उत्साह प्रेम, हर तरह की स्थितियां जिसके अंदर आपका कोई मुकाबला कर सकता है भला। तो आप सवाल भेज रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। अगर कहीं डगमगा गया है तो, और किस कारण से डगमगाया है ये भी देखने वाली बात है। तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, किसी व्रत उपवास रत्न किसी की आवश्यकता नहीं आपको, तो आप खुद ही इन सब के आपका उत्साह आपका जो एक भाग्य की ताकत और आपके श्रमशीलता और चीज़ों की पे पकड़ आपकी, लोगों का स्नेह, ऐसी अद्भुत चीज़ें तो हैं आपके पास। बस अपने आप को संभालिए, थोड़ा समय थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें ठीक होंगी और ऊंचाइयां आएंगी। ऐसा नहीं है फिर से ऊंचाइयां आएंगी, मैं ये कहूँगा ऊंचाइयां तो रही हैं आपके जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार ईश्वर ने आपको ऊंचाइयां नहीं दिखाई हो। लेकिन हो सकता है कि आपके कार्य अपनी ऊर्जा को नहीं समझ पाए हों और आप कार्य दाएं बाएं होने की चीज़ की वजह से एक बार परेशानी में हो। वापस से अपने आप को संजोइए, संभालिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक होती चली जाएंगी। कुंभ राशि, पेंडिंग पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए आज का दिन विशेष उपयुक्त है। बंधु बांधवों के साथ आनंद में दिन व्यतीत होगा। धन की कमी थोड़ा खल सकती है। ब्लैक कलर आज आपको सूट करा, दो अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
मीन राशि, मधुर वाणी स्नेहजनों पर अपना प्रभाव छोड़ेगी। स्थायी संपत्ति के वादों में परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। मांगलिक कार्यों में अधिक धन खर्च करने से संबंधों में तनाव या मनमुटाव होने की संभावनाएं। कृमि शुक्ला राजा को सूट करा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किन ग्रह योगों से बनते हैं देश के गृह मंत्री। आज बात करेंगे सुशील कुमार शिंदे जी की। बने रहिए भाग्यम में।